ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। अध्याय 7। ये आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। इस चैप्टर का टॉपिक एक गेम चेंजर जैसा है, जिसका नाम है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। मॉर्निंग के जिन 5 रिचुअल्स की बात हमने की है, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है हर रोज कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत बहुत ही अच्छी है और ये आपको आपके आसपास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के और भी फील्ड्स में कंपेटिटिव एडवांटेज देगी। एकदम सिंपल भाषा में, आप दूसरे लोगों से बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीखते, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं और हर दिन कुछ नया सीखकर अपने थॉट्स को और भी पॉलिश करते हैं। आप लगातार नई और पॉजिटिव चीजों को अपने माइंड में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड और शार्प तथा अपडेट हो रहा है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल यही प्रैक्टिस की तो क्या आपको अंदाजा है कि आपका माइंड किस लेवल पर होगा? आप दूसरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आपका माइंड दूसरे ही लेवल पर डेवलप हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी लाइफ में लाना चाहता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आप हर दिन नई चीज कैसे सीख सकते हैं। 1. 60 मिनट स्टडी। यहां पर मैंने 60 मिनट रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात की है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि स्टडी क्या है। तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीपर वर्जन यानी गहन संस्करण है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हर दिन 60 मिनट का समय निकालकर कुछ ना कुछ स्टडी जरूर कीजिए। मैंने जब इस चीज को शुरू किया था, तब से इसने मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ी फुर्सत निकालकर अपने आप को समय दें और हर दिन आप कुछ स्टडी करें। एक साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपग्रेड नहीं होती है। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिजल्ट ही दिखाता है कि आपने क्या किया है और कितना किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपकी उस फील्ड में नॉलेज बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ था और हम दोनों बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि काम तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने उससे पूछा, सच में? मैंने कहा कि मान लो कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब तुम बताओ कि क्या तुम इसे 1000 करोड़ बना सकते हो? मैंने कहा कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कुछ शुरू करने के लिए हमें नॉलेज भी उतनी ही चाहिए। वॉरेन बफे, नवीन जैन और अजीत जैन जैसे लोगों के पास ये ज्ञान है कि पैसे कैसे बनाते हैं। जो ज्ञान इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो पैसे बनाने के लिए भी ज्ञान जरूरी होता है। 2. क्या पढ़ें? अब सवाल यह है कि क्या पढ़ें? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तिकाएं बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, तो इसे उसने स्कूल के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी। E=mc² भी स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था, जो आइंस्टाइन ने पूरा किया। पिकासो से किसी ने आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था, या फिर कोहली को बैट्समैन बनना है, ये कोई कंपल्शन नहीं था। लेकिन ये सभी अपनी फील्ड के मास्टर बनना चाहते थे। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए आप में सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ा खाली समय भी। आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपकी फील्ड में आपको कितना आगे जाना है और उसके लिए जो हो सकता है वो करें। 3. दूसरों को सिखाने के लिए सीखें। मैं दूसरों को सिखाने और प्रशिक्षण देने के लिए स्टडी करता हूं। जब मैं जिम में होता हूं और मेरा जिम ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज के लिए चिल्लाता है, तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूं। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उस चीज पर देता हूं। क्या आप भी ऐसे ही स्टडी करते हैं? अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं, तो आपको किसी बैडमिंटन के प्लेयर से बात करनी पड़ेगी,
और वो आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप किस फील्ड में मास्टर हैं। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं इस तरह से सीखूंगा कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। दिखते हुए मैं कोई भी डिटेल्स नहीं मिस करूंगा ताकि मैं दूसरों को अच्छे से सिखा सकूं। मुझे ये भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो डिश मैं बनाना सीख रहा हूं उसमें क्या कुछ पड़ रहा है, साथ ही कितने लोगों के लिए ये कितनी देर में तैयार हो सकती है। मुझे छोटी बड़ी हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप इस बुक को ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं जैसे आप किसी को सिखाना चाहते हैं? मैं कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो देखता हूं और जब मैं उनसे सीखता हूं तो देखता हूं कि वो कहानियां सुनाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स जब भी बोलते हैं तो उनके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है, और जब मैं उनको सुनता हूं तो इस बात पर ध्यान देता हूं कि वो क्या टॉपिक ले रहे हैं। या मान लीजिए कि एक सेशन में वो किसी टॉपिक के 3 सब टॉपिक लेते हैं, फिर मैं ये देखता हूं कि उन सब टॉपिक्स में वो कितने सब पॉइंट्स ले रहे हैं। दूसरे सब टॉपिक में वो 2 सब पॉइंट्स मेंशन करते हैं और तीसरे सब टॉपिक में 4 सब पॉइंट्स मेंशन करते हैं। मैं ये सभी चीजें अपने ध्यान में रखता हूं और डायग्राम बनाता जाता हूं। ऐसा करने से मुझे चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं और मेरे पास प्रॉपर नोट्स और डायग्राम होते हैं। ऐसा करने से मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूं। ऐसा अगर आप रोज करते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है। इसलिए अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें जैसे आपको किसी और को ट्रेन करना है। हर इंसान के सिखाने का अपना अलग ही तरीका होता है। मैं दूसरों को सिखाने के लिए सीखता हूं, इसलिए मेरी नॉलेज काफी स्ट्रांग है। एक मास्टर हमेशा अपनी मास्टरी के ऊपर फोकस करता है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको ये ऐसे सीखना है कि अगर किसी और को सिखाने की जरूरत पड़े तो आप दूसरों को भी सिखा सकें। आपको ऐसे सीखना है जैसे आपको पहले ही पता हो कि आपको सिखाना है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने भी गलत सीखी होंगी, तो आपको उन्हें फिर से सीखना है। अगर आप किसी डिश को गलत तरीके से बनाते थे तो आपको इसे सही तरीके से बनाना सीखना है। 4, जो भी स्टडी करें उसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उसे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार रहें। आपने जो सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप उसे भूल जाएं। मान लीजिए कि आपने कोई डिश यानी व्यंजन बनाना सीखा और बनाया भी, लेकिन वो उस तरह नहीं बना जैसा आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेसिपी पर वापस जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। इसमें मास्टर होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनाने की जरूरत है ताकि आप इसे भूले नहीं। जब आप किसी शॉट की प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं तो हर आने वाले मैच में आप इसे बेटर खेल पाते हैं। जब आप कोई फॉर्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे नहीं भूलते। पेन और पेपर आपके दोस्त की तरह होते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं इन पर जो चाहूं लिख सकता हूं। इसलिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 5, फास्ट रीडिंग। मुझे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने इसे अपनी हैबिट बनाया। साथ ही मैंने फास्ट रीडिंग की हैबिट भी बनाई क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता था। जब मैं स्कूल में था तो अपने एग्जाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके वो सभी चीजें पढ़ता था जो मुझे लगता था कि जरूरी हैं। मैं एकदम दुनिया से दूर उन्हीं चीजों पर फोकस करता था जो मेरे हिसाब से जरूरी थी। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होता था फटाफट उन चीजों को पढ़ता था। ऐसा मैं इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं फोकस्ड था। मेरा दिमाग अब वो सब कुछ सीख सकता है जो मुझे कुछ दिन पहले तक नामुमकिन लगता था। ठीक ऐसा ही कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, और आप तो जानते ही हैं कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसे रिजल्ट्स दे सकता है। इसी तरह मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या सिखाना है। हम हर चीज में पढ़ते हैं, न सीखते हैं और न ही सिखाते हैं। जब पढ़ने की बात होती है तो हम वही पढ़ते हैं जो जरूरी होता है। फास्ट रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे। आप अपने माइंड में रीड कर रहे होंगे और इसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। हमें वो चीज पकड़नी है जो इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो फास्ट रीडिंग के साथ अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। डेली रीडिंग और स्टडी करने की आदत डालें और फोकस्ड रहें। आपके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन आपको फोकस्ड होकर काम करना है। ये आदत आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगी। आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, 60 मिनट का टाइम निकालकर कुछ ना कुछ स्टडी जरूर कर लें। ऐसा करने से पहले सोने की सोचें भी नहीं।
आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, यकीन मानिए आप खुद में बदलाव देखेंगे, आप खुद के ही बेटर वर्जन बनेंगे। अध्याय 8, फिट और एक्टिव कैसे रहें। इस चैप्टर में मैं जिस रिचुअल की बात कर रहा हूं वो मुझे हर दिन ढेर सारी एनर्जी देती है। मैं हर सुबह और हर दिन बहुत ही ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूं। वो रिचुअल है डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने की आदत मुझे बचपन से नहीं थी और मैंने ये जानबूझकर अपनाई है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे जानबूझकर ही अपनाओ, क्योंकि एक्सरसाइज करना एक ऐसी आदत है जो अन्य सारी बुरी आदतों को आपसे दूर रखती है। इससे आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद को फिट और एक्टिव भी रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। मुझे लगा कि मुझे भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैंने बचपन से सुना था कि हमारे अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन वो तो मंदिर में भी रहते हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारा शरीर या बॉडी भी मंदिर की तरह है, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसका ख्याल रखना है। जैसे हम मंदिर का ख्याल रखते हैं और वहां की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए। कई सारी धार्मिक किताबों में लिखा है कि आपका जो शरीर है वो ऊपर वाले की देन है और आप इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है आपको नहीं करना चाहिए। आपका शरीर या बॉडी ही वो मंदिर है जहां भगवान रहेंगे। इसलिए हमें हर दिन एक्सरसाइज करने, अच्छा खाने और अपनी बॉडी को मेंटेन करने की आदत डालनी चाहिए। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश कीजिए, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है नहाना। आप बिना पानी या फ्लूइड के पिछले 6-7 घंटों से सो रहे होते हैं, इसलिए नहाना जरूरी होता है। और अगर आप रोज सुबह गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि जापानी लोग वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट लोगों में से हैं और वे सभी गर्म पानी पीते हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उस पानी के तापमान को बॉडी के तापमान तक लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेगी जो वेस्ट हो जाती है। गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है और साथ ही डिटॉक्सिफाई भी होती है। आप अपनी बॉडी को और भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और साथ ही नेचुरल सिट्रस जूस भी पी सकते हैं। आजकल हम जो भी खाते हैं उसमें केमिकल पड़े होते हैं, इसलिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इसे अगर आप सुबह के समय करते हैं तो और भी अच्छी बात है। साथ ही आपको ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं। आपको सुबह के समय ब्रेकफास्ट जरूर लेना है। सुबह 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर ही लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग 8 बजे तक सोकर ही उठते हैं तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे सोकर उठ रहे हैं और आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज की शुरुआत आप स्ट्रेचिंग से करें, फिर 20-20 के 5 सेट्स पुशअप करें, उसके बाद ही सूर्य नमस्कार करें। पुशअप न सिर्फ आपके सीने को बल्कि आपके पेट को भी मजबूत बनाता है। मुझे तो लगता है कि सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, इसलिए इसके भी 5 सेट्स करें। आपका फिटनेस लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा। अगर आप एक बार में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और थोड़ी सुबह करें और थोड़ी शाम को। ठीक इसी तरह पूरे दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाया करें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में तो ढेर सारा खा लिया और बाकी दिन भर भूखे रहे। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि डायबिटीज सबसे अच्छी बीमारी है, क्योंकि इसके होने के बाद अब मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं जिससे मेरा शुगर लेवल कम रहता है। इससे पहले मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन अब मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर यही काम आप पहले करते तो शायद आपको आज डायबिटीज ही नहीं होती। मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो लाइफ चेंजिंग है। अगर आप एक टाइम में वर्कआउट नहीं कर सकते तो उसे सुबह और शाम में बांट कर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक बार में ढेर सारा ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं। फिट रहने के लिए जिम जाना भी जरूरी है, और जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो अपनी मसल्स पर स्ट्रेस डालते हैं, और जब इन पर स्ट्रेस पड़ता है तो ये टूटती हैं, और फिर आप इन मसल्स को प्रोटीन लेकर फिर से बना सकते हैं। जब ये मसल्स फिर से बनती हैं तो ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। आपको एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लाना है, और जरूरी नहीं
कि ये जिम जाकर ही किया जाए। आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने मसल्स रीबिल्ड नहीं करते तो आपको मसल एट्रोफी हो जाएगी। जिस चीज का भी आप इस्तेमाल नहीं करते वो वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आप मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फैट जमा होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। आपकी बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है और इसे हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये पीछे की तरफ ही जाएगी, यानी नष्ट होती जाएगी। अगर आप इसे डेवलप नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगी। अगर आप सोचें कि आपकी बॉडी सारी लाइफ बिल्कुल इसी तरह की रहे तो ये मुमकिन नहीं है। या तो ये बेहतर होगी या बदतर। अब फैसला आपके हाथों में है। जैसे हम एक पौधे को देखते हैं कि जब वो पनपता नहीं या बड़ा नहीं होता तो मुरझाने लगता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी यानी शरीर है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। आप मसल्स को डेवलप नहीं करेंगे तो मसल एट्रोफी हो जाएगी और मसल्स पर चर्बी जम जाएगी, और अगर मसल्स नहीं बचेंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जल्दी थक जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स की जगह फैट होता है। इसलिए आपको फैट नहीं मसल्स बनानी है। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप मसल्स बनाइए, क्योंकि वही हेल्दी बॉडी है। तो आप सुबह जल्दी उठें और मॉर्निंग रिचुअल्स करें, समय से उठें और रिफ्रेश्ड उठें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें और एक्सरसाइज करें। याद रखें कि मेडिटेशन भी करना बहुत जरूरी है। अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बनाएं और उसे पूरा करें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए भी गोल्स सेट करें। किसी फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट करें और पता करें कि फिट रहने के लिए आपको क्या करना है। या फिर आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आपकी फिटनेस के बारे में गाइड करेगी। प्रतिदिन के किए गए छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़ा रिजल्ट देंगे। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।